वेलकम बैक टू चार्ज का सचिन भाई से टेक्स। गाइस यहां पे ओप्पो के स्मार्ट वॉचेस में एक न्यू अपडेट आ चुका है और इस अपडेट आने के बाद गाइस यहां पे ओप्पो के स्मार्ट वॉचेस में कुछ न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, जहां पे गाइस डायरेक्टली आप मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं ओप्पो के स्मार्ट वॉचेस की मदद से, जहां पे चैटिंग कर सकते हैं इस वॉचेस की मदद से डायरेक्टली। प्लस गाइस इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, प्लस 10 न्यू वॉच फेसेस भी आपको मिलते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन इसमें ऐड भी हुए हैं और कुछ न्यू यहां पे फीचर्स भी आए हैं। सो यहां पे इस वीडियो में आपको ओप्पो की वॉचेस में जो न्यू अपडेट आया है इसी के बारे में डिटेल्स बताएंगे, कौन से फीचर्स आए हैं और क्या क्या न्यू आया है। सो इसके लिए आप वीडियो देखते रहिए और अगर आप चैनल पे चौक जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो नोटिफिकेशन आपको चलेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे गाइस ओप्पो की स्मार्ट वॉचेस जो कि गाइस यहाँ पे मार्च में इसी ईयर लॉन्च किया गया था, यहाँ पे गाइस ओप्पो की स्मार्ट वॉचेस यहाँ पे रन करती है कलर ओएस पे, जो कि स्पेशली इसका वीयर ओएस सिस्टम है और ये स्पेशली गाइस यहाँ पे इसमें आपको एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। इस सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद गाइस इसमें आपको स्पेशली इसमें ये फीचर किया गया है कि अब आप ओप्पो की जो स्मार्ट वॉचेस है इससे किसी भी चीज को डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं किसी मैसेज का, जो कि यहाँ पे वी चैट एक शेयर ऐप है जिसकी मदद से गाइस वी चैट डायरेक्टली आप इसमें यूज कर सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं किसी के मैसेज का स्मार्ट वॉचेस की मदद से डायरेक्टली, जो कि इसमें कुछ फीचर किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेस कंट्रोल बोर्डिंग से रिलेटेड कुछ न्यू फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, जो कि स्पेशली गाइस यहां पे स्मार्ट वॉचेस को यहां पे स्पेशली चाइना में लोकल ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से गाइस इसमें आपको कुछ यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग से रिलेटेड भी कुछ न्यू अपडेट आए हैं, जहाँ पे गाइस ऑटोमेटिक यहाँ पे यूज किया जाता है और ऐसे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन आए इस अपडेट में। प्लस यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसमें बग्स जो है कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही थी उन सबको यहाँ पे गाइस सॉल्व किया गया है ओप्पो के स्मार्ट वॉचेस के न्यू अपडेट में। प्लस यहाँ पे ये फर्स्ट अपडेट है जब से स्मार्ट वॉचेस लॉन्च हुए उसके बाद यहाँ पे पहला ये अपडेट आया है ओप्पो की वॉचेस के लिए, जो कि स्पेशली एक इसका सिस्टम अपडेट आया है। सो चलिए आपको इसके जो सॉफ्टवेयर अपडेट है इसमें जो भी फीचर्स आए हैं, जो न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं उसके बारे में डिटेल बताते हैं कि क्या वर्क है और कैसे ये अपडेट का क्या बिल्ड नंबर है। यहाँ पे गाइस ओप्पो की स्मार्ट वॉचेस में ये जो न्यू सिस्टम अपडेट आया है इसमें जो बिल्ड नंबर आया वो है A.38 प्लस। स्पेशली गाइस ये रिक्वायर करता है ओप्पो हेल्थ कंपेनियन ऐप के जरिए, जो कि इसमें इस एप्लीकेशन में भी कुछ न्यू फीचर्स आए अपडेट की तरह, जो कि इसका है V.2.6.2 जो कि इसका अपडेट आया इस एप्लीकेशन का। प्लस इसमें आपको ऐड टू एक न्यू फीचर्स ऐड हुआ है जो कि स्पेशली स्मार्ट वॉचेस के लिए होता है और यहाँ पे इस फीचर्स को स्पेशली स्मार्ट वॉचेस के लिए यूज भी किया जाता है और ये है इनका अपडेट का बिल्ड नंबर प्लस इसमें जो अपडेट आया है। यहाँ पे गाइस ओप्पो के स्मार्ट वॉचेस में न्यू सिस्टम अपडेट के थ्रू मेन हाइलाइटेड किया गया कि इसमें गाइस आपको चैटिंग का ऑप्शन मिल गया है, जहाँ पे आप डायरेक्टली इसमें रिप्लाइज कर सकते हैं वी चैट शेयर ऐप की मदद से, यानी कि वी चैट शेयर ऐप इसमें सपोर्ट करेगा और आप इसकी मदद से डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आप लिमिटेड में मैसेज को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेगी। प्लस यहां पे डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं सिन फ्यू वॉइस इनपुट के थ्रू, जो कि स्पेशली एक ऐसा वॉइस इनपुट है जो कि यहां पे आपके जो बातें गाइस उसको चैट करके बताता है, यानी कि इसमें आपको कोई कीबोर्ड नहीं मिलता चैटिंग करने के लिए, ये डायरेक्टली वॉइस इनपुट करता है। सिन फ्यू कुछ न्यू ऐसा मतलब कि वॉइस इनपुट है जिसके थ्रू गाइस यहां पे आप इसमें रिप्लाई कर सकते हैं किसी के मैसेज का। यहां पे गाइस ये जो न्यू फीचर्स आया ओप्पो की स्मार्ट वॉचेस का क्विक रिप्लाई वाला, ये स्पेशली गाइस केवल एंड्रॉइड फोन में ही सपोर्ट करता है, यानी कि एंड्रॉइड 6.0 जो स्मार्टफोन है उसमें सपोर्ट करता है, प्लस ऑटो जो अपडेट आते रहते हैं। इसका मतलब यही है कि यहां पे iOS में मतलब कि जो आईफोन के एप्पल की रिलेटेड स्मार्टफोन है उसमें ये अपडेट सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा गाइस इसमें आपको कुछ न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं जैसे कि एक्सेस कंट्रोल कार्ड, यहां पे बोर्डिंग पास है जो कि स्पेशली गाइस यहां पे यूज किया जाता है लोकल ट्रांसमिशन चाइना के लिए। तो ये सब मतलब कि ये कार्ड है जो कि चाइना में जो लोकल ट्रांसमिशन होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए स्पेशली इन्हें यूज किया जाता है, जो कि ऑब्वियसली कोई यूजफुल फीचर्स नहीं मुझे लगा। यहां पे गाइस यहां पे ये भी ओप्पो ने कंफर्म कर दिया कि यहां पे जो iOS है गाइस उसमें आपको 10 न्यू एप्लीकेशन देगा ऐप स्टोर पे इस वॉच से रिलेटेड, और वॉच में जो एप्लीकेशन यूज होते हैं उनको आप यहां पे ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, जहां पे जो ऐप स्टोर के यूजर्स हैं वो वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करके वॉचेस के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पे गाइस इसके अलावा इसमें 10 न्यू वॉच के फेसेस मिलते हैं इस अपडेट में, जहां पे वॉच फेसेस को अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको ऑटोमेटिक फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिकली तरीके से वॉक करता है। तो इस हिसाब से गाइस ये जो अपडेट ये स्पेशली वॉचेस को काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन पहले से ही ये एक बेस्ट फीचर स्मार्ट वॉचेस है, लेकिन इस अपडेट आने के बाद और ज्यादा अच्छी रहेगी और यहाँ पे और बेटर तरीके से आप इसे यूज
कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे जो कि अपडेट में आया था, और आई होप मैंने आपको जो भी फीचर्स बताए ओप्पो वॉचेस की अपडेट के बारे में वो आपको डिटेल्स में प्रॉपरली तरीके से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के अंदर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जो मिलते हैं अगली वीडियो में। डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक फॉर वॉचिंग।